आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली में 8 मई 2022 को राष्ट्रीय सैनिक संस्था की दिल्ली इकाई के द्वारा यहां एक शांति सभा आयोजित की गई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक ज्ञापन भी भेजा गया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि रूस यूक्रेन का युद्ध कब का खत्म हो गया होता यदि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार न दिए होते। अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजा इसलिए नहीं कि युद्ध को रुकवाया जाए बल्कि नए हथियार देने का भरोसा देकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेंडर न कर दे। अगर युद्ध खत्म हो गया होता तो अमेरिका के हथियारों की बिक्री भी कम हो जाएगी। आश्चर्य तब होता है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस के हुए आते हैं और उनके होटल के पास रूस मिसाइल दाग देता है और संयुक्त राष्ट्र चुप रहता है। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से दंतविहीन और निष्क्रिय हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षा श्रीमती पूर्णिमा आनंद ने ब्रिक्स देशों द्वारा नई उत्पाद हुई परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों के साझा सहयोग का महत्व बताते हुए कहा कि सच ये है कि अमेरिका और नाटो के देश यूक्रेन की सहायता नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे तबाह कर रहे हैं ताकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो अपने आप को तटस्थ कहते हैं वो भी नाटो में आने का मन बना ले इस डर से कि कहीं उनका भी यूक्रेन जैसा हाल ना हो जाए। उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता पाने के प्रयास में रूस के साथ विद्रोह कर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंसकी इस यूक्रेन और पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित हो गए हैं। यदि शांति वार्ता ना हुई तो पूरा संसार तृतीय विश्व युद्ध व परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। काफी देशों में तो खाद्य व आर्थिक संकट पैदा हो गया है। रूस के साथ जिन देशों का आयात निर्यात है वो सभी देश अमेरिका प्रतिबंधों के कारण संकट में है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संयोजक श्री राजीव जोली खोसला ने कहा कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान जैसे बहुत सारे देश ये मानते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े शक्तिशाली नेता हैं, परंतु सम्मानित नहीं है। शक्तिशाली और सम्मानित देश केवल भारत ही है। इसलिए नए विश्व ऑर्डर के नेतृत्व की प्रथम पंक्ति में भारत का होना अनिवार्य है और यह एक उम्मीद किरण है विश्व शांति की, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम उस समय से कहते चले आ रहे हैं जब बहुत सारे देशों को उंगली पकड़ना चलना भी नहीं आता था। श्री परमजीत सिंह पम्मा, जावेद खान, श्री वेद प्रकाश व श्री कलीराम तोमर ने अपनी अपनी भाषा में कहा कि क्रीमिया के लोगों द्वारा किए गए जनमत संग्रह का समर्थन करने के बदले में रूस को 8 साल का प्रतिबंध भुगतना पड़ा जो अभी अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन डोनबास के LTR और DPR में यूक्रेन द्वारा रूसी भाषा लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए रूस ने विशेष सैन्य कार्रवाई की जिसके बदले में अत्यंत कड़े प्रतिबंध लगाकर रूस को एक तरफा आपराधिक देश घोषित करने की कोशिश की गई जो ब्रिक्स देशों द्वारा अस्वीकार है। रूस पर प्रतिबंध हटाकर दोनों पक्षों का शांतिपूर्वक हल निकालना जाना चाहिए। लोगों ने तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए कुछ कबूतर भी छोड़े गए। इस विश्व शांति मार्च में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में सर्वश्री कमल मक्कड़, वेद भूषण, जगदीश सक्सेना, MK दुआ, श्रीमती भारती बघेल, चमन नागर, श्रीमती बीना श्रीवास्तव, रीमा अनिता तिवारी, पूनम मनीषा, ब्रजेश कुमार अंगद, धर्मेंद्र बिरू, धर्मेंद्र, पिंकी मधुकर, हितेश शर्मा, DK, मेहदी रता आदि शामिल थे। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। शांति संभव है डेटरेंस से, जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो चलाए नहीं जाते, वो दिखाए जाते हैं। जो ये न्यूक्लियर पावर से एक जमाना था 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाला, लेकिन उस समय किसी और के पास कोई न्यूक्लियर बम था ही नहीं। आज 13,000 एटॉमिक बम है, बहुत सारी कंट्रीज न्यूक्लियर हैं। वो इसलिए थोड़ी है कि वो चला देंगे न्यूक्लियर बम को, वो इसलिए हैं कि डेटरेंस, कि मेरे खिलाफ एक्शन ना लिया जाए वरना मेरे पास ये है। तो हथियारों का बहुत ज़्यादा होना ये नहीं कह सकते कि ये विश्व शांति के खिलाफ है। हथियारों का दुरुपयोग होना विश्व शांति के खिलाफ है। मैं तो आज ये भी एक आवाज़ देता हूँ कि 1,00,000 बंदूक थी अंग्रेजों के पास और 35 करोड़ हिंदुस्तानी थे। अगर हिंदुस्तानियों के पास उस समय बंदूकें नहीं होती तो मजाल थी कि वो 200 साल तक हमारे ऊपर राज करते, या जो मुस्लिम आक्रांता आए थे जिन्होंने आके थोड़ी थोड़ी सी बंदूकों के बल पर हमारे जैसे
73 लोगों के ऊपर राज किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है दैट द गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज्ड, गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज्ड। लोग बाग अक्सर ये कहते हैं आप हर एक को गन दे दोगे तो लड़ने लगेंगे आपस में, गलत। उदाहरण कर्नाटक, कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग और उस कुर्ग जिले में 100% लोगों के पास बंदूक है, और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे किया गया तो पता लगा कि सबसे कम अपराध का रेट कुर्ग में है। आप इसे इंटरनेट के ऊपर चेक कर लीजिए। इसलिए हथियारों का होना गलत नहीं है, हथियारों का दुरुपयोग गलत है, हथियार अपराधियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए। आज निकाला मीडिया से रूबरू हुए, क्या कुछ मांग आप कर रहे हैं? देखिए एक ही मकसद है, विश्व शांति। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमारे जो बुद्ध के सिद्धांत है उसी पे हमको पूरे विश्व को शांति चाहिए, उसी के लिए आज हमने शांति मार्च की माननीय पूर्णिमा जी की अध्यक्षता में और कर्नल साहब की देखरेख में हमारे मार्गदर्शक। सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही कि शांति चाहिए। अगर आज 2 महीने युद्ध को चलते हुए हो गए, आज नहीं तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद शांत तो होगा, मगर ये 2 महीने का समय क्यों? मुझे याद है तो कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के दिल जंतर मंतर से आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भारत जिसे हम विश्व गुरु सब देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत ही इस शांति के लिए आह्वान करे और इसकी पहल करे, और हमें पूरे भारतीयों को विश्वास है कि हम होंगे कामयाब, क्योंकि हमारा यही सोच है। जिस प्रकार तक मंच के माध्यम से कंप्लीट डिसआर्ममेंट के बारे में यहाँ से यूनाइटेड नेशन को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ हथियार, जैसा कि अभी त्यागी जी ने कहा कि हथियार युद्ध के लिए नहीं है, वो एक शांति बनाए रखने की भी व्यवस्था है, लेकिन हथियार का दुरुपयोग हमेशा गलत है, जैसा कि अभी यूक्रेन में किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने और यूएस गवर्नमेंट ने $33 बिलियन के हथियार यूक्रेन को देने की व्यवस्था भी की है। इससे क्या होगा? इससे तो अशांति फैलेगी। यूक्रेन में वो हथियार जाएंगे, वो मे बी रशिया के विरुद्ध में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन रशिया भी तो फिर $33 बिलियन के हथियार यूज़ करेगा, तो मतलब ये है कि $100 बिलियन के हथियार उस भूमि पे यूज़ हो जाएंगे और उस पर मरेगा कौन? आम नागरिक। जहाँ पर मैम पूरे बिल्कुल संभव है और शांति ही होगी। आप कितना भी युद्ध लड़ लीजिए, कितने भी युद्ध लड़ लीजिए, आपने प्रथम विश्व युद्ध देखा, सेकंड विश्व युद्ध देखा, आज चाहे आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ लीजिए, लेकिन अंततः तो फिर शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। हमारा इस मंच के माध्यम से यही आह्वान है कि शांति वार्ता की जाए। किसी भी कारण से दो बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसा कि त्यागी जी ने बताया, यूनाइटेड नेशन ने भी कल ये डिक्लेयर किया कि वो केवल एक विवाद है, ठीक है। और रशिया की जो मिलिट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो लगातार ये कहते आए हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन था आतंकवाद को डॉनबास में ख़त्म करने के लिए, लेकिन किस तरह से ये एक माध्यम बन गया न्यूज़ का कि उसे युद्ध 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 कहा गया। ये युद्ध नहीं है, ये शांति के लिए एक स्थापित आतंकवाद को खत्म करने का एक प्रयास था। राजीव जी किस खबर को यही कहना चाहते हैं कि वो शांति की स्थापना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।